टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर विवियन डिसेना ने हाल ही में बात की भारत में चल रहे सोशल मीडिया पर बैन के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जल्द ही इंडिया में बैन हो सकते हैं अगर इन प्लेटफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करने से मना किया। विवियन, जो टेलीविजन का एक जाना माना नाम है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। ऐसे में विवियन डिसेना ने बात की कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लग गया तो इसका टेलीविजन इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। विवियन ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने फैन से कनेक्ट करने का। लेकिन यहाँ मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग की ज़रूरत है, खासकर ऐसे लोगों पर जो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सोशल बैक्टीरिया बुलाता हूँ, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर इस लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ पोस्ट और वीडियोस शेयर करना शुरू किया है ताकि मैं अपने फैन से कनेक्टेड रह सकूँ। अगर इंडिया में सोशल मीडिया बैन हो जाते हैं तो इसका टेलीविज़न इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए विवियन ने कहा कि ये टेलीविज़न एक्टर्स और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने शोज़ को बहुत ही इजीली प्रमोट कर पाते हैं, जहां आपकी एक पोस्ट लाखों लोगों तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाती है। तो कितना अग्री करते हैं आप विवियन के इस स्टेटमेंट से? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीविज़न की सारी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।